नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मैनपुरी में चुनावी सरगर्मी के चलते दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि दबंगों ने 52 वर्षीय सिपाही राम युवक की पीट पीट कर हत्या की है। मृतक सिपाही राम रोज की तरह शौच को जा रहा था, तभी ग्राम प्रधान व सहयोगी ने घटना को अंजाम दिया। प्रधान हकीम सिंह यादव व सहयोगी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर थाना प्रभारी सहित जिले के आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के अहकारीपुर गांव का बताया जा रहा है। ये जो झगड़ा हुआ है किस बात को लेकर हुआ था? ये सर प्रधानी के ऊपर हुआ है। ये प्रधानी जो पूर्व प्रधान है ना, ये जी ये ज्यादा बदतमीज कर रहा है, गुंडागर्दी से। क्या नाम है उसका? हकीम यादव है। वर्तमान प्रधान है ये। ये बहुत ही दबंगी से वोट मांगता है और गाँव वालों से इसने मेरे ताऊ की जो हत्या करवा दी, मार मार लाठी और बंदूकों से। अच्छा, क्या नाम है तुम? मेरा नाम गौरव कुमार है। पिताजी का नाम? सिमेंद्रलाल है। निवासी अहकारीपुर। आप रिश्ते में कौन लगते हो? हम उनके भतीजे लगते हैं। मामला था साहब, मैं सो रहे थे और इन लोगों ने कम 30-35 आदमी ने लाठी डंडा आके और मतलब मेरे भाई को जान से मार दिया। क्या नाम था? सिपाही राम। कौन बिरादरी? लोधी राजपूत। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? प्रधानी प्रधानी को लेकर हुआ था। शाम को मतलब भंडारा चल रहा था, उस समय पंगा कर दिया, खाना नहीं खाने दिया। अच्छा, राम सभा की बात है। कौन से गांव की बात है? अहकारीपुर। आपका क्या नाम है? बालिस्टर सिंह। पिताजी का नाम? श्री द्वारका प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? अहकारीपुर। अहकारीपुर गांव से सुबह लगभग 7 बजे सूचना आई कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, पत्थर भी चला है। इस सूचना पे पुलिस आई तो दो पक्ष, एक पक्ष सिपाही राम पक्ष है, दूसरा राजीव पक्ष है। सिपाही राम के पक्ष में सिपाही राम को लाठी डंडे की चोट लगी, जिससे इनको CSC ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। सिपाही राम के पक्ष के 6-7 लोग चोटिल हैं तथा दूसरे पक्ष के भी 5 लोग चोटिल हैं। अभी तहरीर ये लोग देंगे, जिस हिसाब से तहरीर मिलती है उचित जाँच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या गोली की भी कोई घटना है? फायरिंग, हवाई फायरिंग की सूचना मिली है कि दोनों पक्षों से हवाई फायरिंग हुई है। अभी लगने की कोई पुष्टि नहीं हुई किसी को। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।